अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। मैं हूं सैयद बेदार हुसैन और आज हम डिस्कस करने लगे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एन एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अल्टर इंट्रोडक्शन अबाउट मी, सैयद बेदार हुसैन, ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग हब, फ्रीलांसर, ब्लॉगर, एफिलिएट मार्केटर, 5+ years एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। In our today's discussion, we have two phases. Phase one, introduction of digital marketing with real in earning proofs. And in phase two, we will tackle your questions. Let us start. What is digital marketing? इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको सिखाया जाए कि डिजिटल मार्केटिंग में, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का समंदर है इतना वसीओ तो अरीज, उसमें से आपने अपने हिस्से की कमाई कैसे करनी है। तो इस वक्त ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, इस तारीखी क्लास में आपको ये सिखाया जाएगा कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग को मुख्तसरन अगर बयान किया जाए और उसकी अहमियत को, और बिजनेसेस आज के दौर में किस तरह डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको मुख्तसर सा तारुफ दिया जाएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में यूँ कह रहे कि मोटी मोटी आइटम्स कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें आप ग्रो कर सकते हैं, और हम आपको क्या कुछ सिखाएंगे ये हम आपको साथ साथ मुख्तसरन बताते जाएंगे कि इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा। और इस सारे इंट्रोडक्शन के बाद एंड में आपको रियल अर्निंग प्रूफ भी दिखाए जाएंगे कि वाकई मेहनत की जाए, इसी फील्ड में दिन रात एक किया जाए तो रिजल्ट्स ऐसे भी आते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग The use of digital channels to market products and services in order to reach consumers. Simple, आप ये कह लें कि अपनी products या services को digital channels के जरिए consumers तक, customers तक, clients तक पहुंचाना digital marketing कहलाता है। यानी आपने अपनी products sell करनी है, अपनी services sell करनी है, उन्हें आज के दौर के जो जदीद डिजिटल चैनल्स हैं, डिजिटल चैनल्स कौन से हैं? मोबाइल है, सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, इंटरनेट में वेबसाइट है, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगिंग है, वीडियोस चैनल्स हैं, यूट्यूब है, ये सारे डिजिटल चैनल्स हैं हमारे पास, जिन्हें हम यूँ कह रहे हैं सोशल मीडिया चैनल्स, ईमेल चैनल्स, वीडियो चैनल्स, वेबसाइट्स के जरिए ब्लॉग्स, ई कॉमर्स स्टोर्स, ये सारे हमारे डिजिटल चैनल्स हैं। इन सब को बरूएकार लाते हुए, इन सब की अफादियत को बरूएकार लाते हुए अगर हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करें तो उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आज के दौर में बढ़ते हुए इंटरनेट की वजह से अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, तो अब आप पाकिस्तान के किसी छोटे से शहर में बैठे भी यूएसए की मार्केट को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ये है हुसन हमारी फ्रीलांसिंग का, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने का। आप क्या हैं, क्या नहीं हैं, कहाँ बैठे हैं, आपके पास ऑफिस है, ऑफिस नहीं है, ऑफिस की सहूलियात मैसर है, नहीं है, अगले बंदे को, अगले इंसान को सिर्फ काम चाहिए, आप जिस मर्जी हाल में बैठे उसे काम दें, उसका प्रोजेक्ट पूरा करके दें, ये है डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स की बात करें तो इसमें कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉडर, यूं कह लें कि काफ़ी बड़ी इस्तेलाह है, जिसकी अंडर ये सब चीज़ें उसी के अंडर ही आती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वायरल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को आप, ये पांच बड़ी कैटेगरीज हैं, ये पांच बड़े सोर्सेज हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो इसके अलावा जितनी जितनी भी छोटी छोटी शाखें निकलती हैं वो सारी इन फाइव मेन डिजिटल मार्केटिंग सोर्सेज से ही निकलती हैं।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को SEO भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सर्च इंजन मार्केटिंग को ही गूगल एड्स और या PPC, ये सब सर्च इंजन मार्केटिंग के ही नाम है। एफिलिएट मार्केटिंग, इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, या जिसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग। अब इन पांच मेन जो अकसाम हैं सोशल डिजिटल मार्केटिंग की, अब हम वन बाय वन इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देखेंगे और फिर लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे इनके मुताबिक कि आज के दौर में बिजनेसेस कैसे इन सब टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। इन सब के अंदर भी कौन कौन से प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और क्या स्टैटिस्टिक्स जो कि रिसर्च के बाद कंपाइल किए जा चुके हैं, वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस क्लास में अब हम यही डिस्कस करेंगे कि इन मीडिया चैनल्स की, इन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की अफादियत क्या है और बिजनेसेस कैसे इन्हें यूज़ कर रहे हैं और आपने किस तरह इस इंडस्ट्री में खुद को इन्वॉल्व करना है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या आप सीख सकते हैं और किस तरह दूसरों को सर्विसेज दे सकते हैं। इसे क्लास में इन सब चीज़ों की डिटेल में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन मुख्तसरन थोड़ा थोड़ा ज़रूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिर जब इंशाल्लाह आपका रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू होगा तो इंडिविजुअली हर मॉड्यूल में आपको हर चैनल की डिटेल बताई जाएंगी कि किस तरह आप इसकी लर्निंग किस तरह कर सकते हैं और फिर लर्निंग के बाद अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले है कंटेंट मार्केटिंग। व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग क्या है जी? क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन मटेरियल, वीडियोज, ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन रेलिवेंट ऑडियंस एंड अल्टीमेटली टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन मीडिया पे, इंटरनेट के जरिए, किसी भी चैनल्स के जरिए आप कोई भी मीडिया क्रिएट करें, वो वीडियोज हों, ब्लॉग पोस्ट हों, सोशल मीडिया पोस्ट हों, ये सारे कॉन्टेंट कहलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाना और इन्हें इंटरनेट पे शेयर करना, शेयरिंग ऑनलाइन शेयर करना, मकसद क्या है कि आपका जो कस्टमर है उसे अट्रैक्ट किया जाए और अल्टीमेटली उसे उकसाया जाए इस चीज़ पर कि वो प्रॉफिटेबल एक्शन ले, चाहे आप उसे सर्विस सेल कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसे। अच्छा जी, अब स्टैट्स देखते हैं कंटेंट मार्केटिंग के मुताबिक। 82% ऑफ कंपनीज रिपोर्ट यूजिंग कंटेंट मार्केटिंग, यानी 82% जो कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि उनकी जो मार्केटिंग है वो डिजिटल तरीके से की जाए। वो वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग कॉस्ट 62% लेस देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपने देखा होगा जो पेपर्स के ऊपर मार्केटिंग की जाती है, पेपर्स पर लिख के इश्तहारात दिए जाते हैं, अखबारात में भी दिए जाते हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि 62% लेस कॉस्ट होती है जी कंटेंट मार्केटिंग की इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग की नस्बत। लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग कंटेंट गेट्स ट्वाइस एज मैनी पेज व्यूज। अच्छा, कंटेंट की डिफरेंट टाइप्स है ना, वीडियो कंटेंट भी है, ब्लॉग पोस्ट भी है जिसमें राइटिंग में चीज़ लिखी होती है, उसके अलावा इंफोग्राफिक्स, इमेजेस हैं, ऑडियोज हैं, जो ऑडियो पॉडकास्ट आपने देखी होगी, इस तरह ये सब सोर्सेज में रिसर्च ये कहती है कि जो ब्लॉग पोस्ट है लॉन्ग फॉर्म में उसके पेज व्यूज डबल होते हैं जी बाकी सोर्सेज से। अच्छा, ग्लोबल कंटेंट मार्केटिंग मार्केट 2021 टू 2025 मार्केट ग्रोथ जी 16% होगी जी एनुअली, और ये अंदाजा है कि 417.85 बिलियन ग्रोथ होगी इस इंडस्ट्री में। इट मीन्स कंपनीज आर इंक्रीजिंग देयर बजट
फॉर कंटेंट मार्केटिंग। तब आपने ये देखना है कि जो ऑनलाइन काम हो रहा है कंटेंट मार्केटिंग, हर चीज हमारी जो भी ऑनलाइन इनकम ऑनलाइन अर्निंग के लिए जिसके हम प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, ये हर चीज हमारी कंटेंट मार्केटिंग में ही शामिल है। हर किस्म की एक्टिविटी जो कि इंटरनेट पे हो रही है उसका मकसद अपनी अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है। इसका मकसद सिर्फ यही है, इसलिए कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती जो कि कंटेंट मार्केटिंग से बाहर हो। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपना स्कोप ढूंढें, किस तरह हमने इस 417 बिलियन इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करना है, ठीक है जी। और 2021 में जी 15.43% ग्रोथ हुई थी जी इस इंडस्ट्री में। अच्छा जी, अब इसके बाद जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जी इसेंशियल डिजिटल हेडलाइंस देखते हैं जी। जुलाई 2022 के मुताबिक टोटल पॉपुलेशन 7.98 बिलियन है जी इस वक्त दुनिया की। उसमें से यूनिक मोबाइल फोन यूजर हैं 5.34 बिलियन, कह लें कि टोटल पॉपुलेशन का 66.9% लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं जी। अब आप देख लें कि मोबाइल के जरिए मार्केटिंग कितनी आसान हो गई, जब आपकी आबादी का 66% लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप अपने मोबाइल के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं मोबाइल यूजर को। और फिर नेक्स्ट है ये हमारे पास इंटरनेट यूजर्स। अब इस 7.92 बिलियन की पॉपुलेशन में से 5.03 बिलियन लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब देखें ये ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कितना बड़ा स्कोप है कि 2/3 से भी ज्यादा आबादी ऑनलाइन चीजें देख रही है, इंटरनेट यूज कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब मार्केटिंग आसान हो गई क्योंकि लोग इंटरनेट पे मौजूद हैं, तो अब ऑनलाइन भी उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट कर सकते हैं। एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स 7.98 की टोटल पॉपुलेशन में से मोर देन 50% 4.7 बिलियन पीपल, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि 4 खरब लोग, 4.7 खरब लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। नाउ यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, या सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए 4.7 बिलियन पीपल को अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं जी सोशल मीडिया यूजर्स 4.62 बिलियन, इसमें से 1.7% है जी जो कि हर 3 माह के बाद इंक्रीज होता है सोशल मीडिया यूजर्स में, और हर साल 10% इंक्रीमेंट होता है जी सोशल मीडिया यूजर्स में। एवरेज 2 आवर 27 मिनट यूज किए जाते हैं जी सोशल मीडिया पे। यूँ कह लें कि ये जो 7 बिलियन की पॉपुलेशन में से 59% लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ये रोजाना ऑन डेली बेसिस 2 आवर 27 मिनट यूज करते हैं जी सोशल मीडिया। और इसके अलावा 7 है जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि लोग तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं। 58% है जी सोशल मीडिया के यूजर्स, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फिर बता रहे हैं जी 46% फीमेल्स हैं जी सोशल मीडिया पे, और 53% आदमी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। अब आप देख सकते हैं कुछ कुछ लोग जो लेडीज स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके लिए 46% सोशल मीडिया यूजर्स फीमेल्स हैं, तो वो यूज करती हैं प्रोडक्ट जिन्हें आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट कर सकते हैं। चूजिंग द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस, अब देखें जी 1.495 बिलियन पीपल फेसबुक यूज करते हैं। इसलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे ज्यादा फोकस फेसबुक मार्केटिंग पे किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि फेसबुक पे आप कोई भी वीडियो देख लें तो 5 मिनट के बाद एड चलना शुरू हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आप वीडियो ऐसी देखेंगे कि
कि जिस पे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ हो और उस पे एड ना चल रही हो। और उसके अलावा भी आप जब अपनी फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि किस तरह एड्स बार बार डिस्टर्ब कर रही होती हैं। और YouTube ने तो एक स्पेशल वर्जन निकाल दिया ना कि अगर आप एड फ्री YouTube देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, अलग से उन्हें पैसे दें और फिर वो एड्स फ्री YouTube दिखाएंगे आपको। अच्छा जी, फेसबुक के यूज़र हैं जी 1.495 बिलियन, फिर ट्विटर के यूज़र हैं 336 मिलियन, पिंट्रस्ट यूज़ करते हैं जी 250 मिलियन लोग, लिंकडिन पे 500 मिलियन यूज़र्स मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन लोग पहुंच चुके, और यूट्यूब पे 1.8 बिलियन यूज़र्स आ चुके। इनके डेमोग्राफिक्स भी लिखे गए कि फेसबुक पे ज़्यादा लोग जो एक्टिव रहते हैं वो 25 से 34 साल की उम्र तक के लोग हैं जो कि फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, और 18 से 29 साल के लोग ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये एक रफ एस्टिमेट हुआ करते हैं डिफरेंट रिसर्चेज के बाद। और लिंक्डइन पे 30 से 64 साल के लोग एक्टिव रहते हैं, उनका पर्पज़ और बेस्ट पार्ट ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। विच सोशल नेटवर्क्स डू एडवर्टाइजर्स रिलाई ऑन, ये जी हमारी फील्ड कि ऑनलाइन मार्केटिंग में जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो जो नेटवर्क्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनका फोकस किस प्लेटफॉर्म पे है। तो फेसबुक सबसे आगे है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग की दौड़ में। फेसबुक प्लेटफॉर्म उनके सबसे ओल्ड है, सबसे ज़्यादा भी हम देखेंगे यूजर्स, हमने देखा कि यूजर्स सबसे ज़्यादा हैं, 59% यूजर्स फेसबुक यूज़ करते हैं जी, 61% मार्जिन है जी फेसबुक का, 51% लोगों की प्रेफरेंस फेसबुक मार्केटिंग है जी, 32% ट्विटर पे मार्केटिंग करते हैं। आप ट्विटर एड्स भी देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे भी एडवर्टीजमेंट्स हो रही होती हैं, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और सबसे एंड में स्नैपचैट वगैरह। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद अब चलते हैं जी व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। अब देखें जैसे जैसे हम जमाने जदीद की तरफ जाते हैं तो हजरत इंसान ने कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी जो वो अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ ना कर रहा हो। हम भी इसी चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हम भी अपने घर बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे हों और सब दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हों या सर्विसेज सेल कर रहे हों। अब देखिए व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट यूजेज ईमेल एज अ टूल टू डिलीवर कमर्शियल मैसेजेस एंड जनरेट सेल्स। यानी ईमेल के जरिए जब हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करते हैं तो उसे ईमेल मार्केटिंग कहा जाता है। अच्छा जी, आप कुछ स्टैट्स देखते हैं जी ईमेल मार्केटिंग के मुताबिक। बिलियंस ऑफ एक्टिव ईमेल यूजर्स वर्ल्ड वाइड, 3.9 बिलियन यूजर्स थे जी 2019 में जो कि ईमेल यूज कर रहे थे, जिनके पास एक्टिव ईमेल्स थी वो यूजर थे जी 3.9 बिलियन। और 2023 में अंदाजा है कि ये यूजर्स 4.3 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। अब डेली ईमेल जी 293.6 बिलियन डेली ईमेल सेंड की जाती हैं जी, उनमें से ऑफिस पर्पज के लिए भी होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि 293 बिलियन ईमेल सेंड की जाती हैं। और अभी हम स्टैट्स देखेंगे इनके जरिए सेल्स कितनी जनरेट होती हैं। और डेली ईमेल्स जो कि 2022 में सेंड की जा रही हैं उनका अंदाज़ा है 347.3 बिलियन, यानी कहने के 347 खरब ईमेल 2022 में सेंड की जाएंगी, ये उनका रफ एस्टिमेट है जी। व्हाट आर एवरेज ईमेल ओपन रेट्स, अब ईमेल किसी को सेंड की गई तो ये उसकी रेशियो है कि कितने लोग ईमेल खोल के देखते हैं। बाद का ईमेल आती है हम खोल के देखते हैं बगैर खोले ही डिलीट कर देते हैं, तो कहते हैं जी 65% ऑफ बिजनेसेस एवरेज ओपन रेट्स बिटवीन 11% एंड 50%। 65% बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी ईमेल्स को 11% टू 50% तक खोला जाता है। अच्छा जी, 25% वो होती हैं जो कि सिर्फ 0 से 10% ओपन रेट मिलता है। ओपन रेट से मुराद ये कि कितने लोग खोल के देखते हैं, अगर 100 ईमेल्स को भेजी गई तो उनमें से सिर्फ 10 ने वो ईमेल ओपन करके चेक की भेजा क्या गया।
तो सिर्फ 2.4% ईमेल्स ऐसी हैं, बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी ईमेल्स को 76% से ज़्यादा लोग खोल के चेक कर लेते हैं कि क्या भेजा गया। अब आते हैं जी सर्च इंजन मार्केटिंग। अब हमारे पास डिफरेंट सर्च इंजन हैं जी। सबसे पहले गूगल है, और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, येल्प है, यॉन्डेक्स है, याहू है, ये सारे सर्च इंजन हैं। लेकिन इन सब में सबसे आगे, जैसे सोशल मीडिया में सबसे आगे फेसबुक था, इसी तरह सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा सर्चिज और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेग्रिटी जिसे समझी जाती है सर्च इंजन के पहले, वो है गूगल। तो जी सर्च इंजन मार्केटिंग देखते हैं क्या है। सर्च इंजन मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग ट्रैफिक एंड गेनिंग विजिबिलिटी फ्रॉम सर्च इंजन थ्रू पेड एड्स। जब भी आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे कोई भी ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड सर्च करते हैं, अच्छा ये ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड क्या होता है? ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड्स वो होते हैं जिनमें किसी भी तौर बाइंग इंटेंट हो, कस्टमर को चीज खरीदना चाहता है, किसी प्रोडक्ट के मुतल्लिक जानना चाहता है, उनको कहा जाता है कमर्शियल कीवर्ड्स या बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स। जब आप ये सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले एड, छोटा सा एड भी लिखा नजर आता है, और फिर अगर हम लाइव ट्राई करें इसे, जब हम लिखते हैं जी बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर हेल्थ, तो ये देखें जी ये हमें एड्स नजर आए, ये एड लिखा रहा है। तो ये है जी सर्च इंजन मार्केटिंग, कि इन लोगों ने पेमेंट दी है सर्च इंजन को कि जब भी कोई ये टर्म सर्च करेगा तो उन्हें ये प्रोडक्ट्स दिखाई जाएंगी। तो ये है जी सर्च इंजन मार्केटिंग। ये हम अभी गूगल पे देख रहे थे, इसके अलावा जितने भी सर्च इंजन हैं, बिंग है, योनडेक्स है, याहू है, येल्प है, ये इस किस्म के जितने भी सर्च इंजन हैं सब यही चीज़ें यूज करते हैं। एडवर्टाइजर्स पेमेंट देते हैं उन्हें, गूगल एड्स रन की जाती हैं, बिंग एड्स रन की जाती हैं। अच्छा, 98% ऑफ सर्चर्स चूज अ बिजनेस ऑन पेज वन ऑफ द रिजल्ट्स दैट गेट। अच्छा, हमने ये सर्च किया था बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर हेल्थ, तो आप देखें कि 1.3 बिलियन रिजल्ट शो हुए थे। 1.3 बिलियन रिजल्ट में से आप देखें आगे कितने पेजेस, 10 पेजेस तो यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन हम 10वें पेज पे जाएंगे तो 10 अगले और शो हो जाएंगे। तो कहते हैं 98% जो लोग सर्च करने वाले हैं वो फर्स्ट पेज पर से ही क्लिक करते हैं, वो सेकंड पेज या थर्ड पेज पे जाने की जहमत नहीं करते। तो ये जो फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट को लेके आने की टेक्निक है ना, इसके लिए पेमेंट दी जाती है ये सर्च इंजन को। ये जब मैंने सर्च किया बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर हेल्थ, तो गूगल ने सबसे पहले ये एड्स मुझे दिखाई जो कि पहले रिजल्ट्स के बिल्कुल सामने आ रही हैं। ये मैंने एड ब्लॉकर इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मुझे एड्स ज़्यादा नहीं शो हो रही। अगर आपने एड ब्लॉकर लॉग इन यूज़ ना किया हो अपने ब्राउज़र में, तो आपको स्टार्ट में ही 5-6 एटलीस्ट एड्स के प्रोडक्ट नजर आ जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं जी, वेयर आर यूजर्स मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन अ पेड एड। ये चार इन्होंने सर्च इंजन कह लें, गूगल है, अमेजोन है, अमेजोन स्टोर, यूट्यूब, ये वीडियो सर्च इंजन है जी, इसमें वीडियोस होती हैं यूट्यूब का सब जानते हैं, बिंग, ये चार सर्च इंजन हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो पेड एड पे क्लिक किया जाता है वो है गूगल, गूगल, अमेजॉन, यूट्यूब, बिंग। इनमें से 63% लोग जो हैं वो गूगल पे क्लिक करते हैं, और 15% अमेजॉन पे, और 9% यूट्यूब की एड्स देखते हैं जी। गूगल एड स्टैट्स यू नीड टू नो। ये गूगल एड की 75% ऑफ यूजर्स फाइंड इन्फॉर्मेशन। अब इस कोर्स में आपको गूगल एड सिखाई जाएंगी कि आपने गूगल एड किस तरह रन करनी है, और ये देखेंगे सबसे आसान तरीका है कि आप सर्च इंजन को पेमेंट दें,
ये पूरी एक साइंस होती है जी, पूरी टेक्निक है, किस तरह आपने किस तरह कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, ये पूरी जो रॉकेट साइंस है गूगल एड्स चलाने की, ये इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी। गूगल एड स्टैट्स यू नीड टू नो, 75% यूजर्स फाइंड इंफॉर्मेशन इजियर विद पेड एड्स। ठीक है, जो लोग बाय करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को, तो उन्हें लगता है कि पेड एड्स के जरिए, उनमें से 75% लोगों को लगता है कि पेड एड्स के जरिए वो अच्छी चीज खरीद सकते हैं या उन्हें आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 63% लोग जो गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं वो जरूर गूगल ऐड पे क्लिक कर देते हैं अपनी मनपसंद प्रोडक्ट पे, और फिर वो उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। यानी देखें कि एडवर्टाइजर्स के लिए, कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए अगर आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं या किसी को किसी की सर्विसेज सेल करना चाहते हैं सर्च इंजन के थ्रू, तो गूगल पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ये मार्केट बहुत वसी है। अच्छा, जो कहते हैं कि सर्च इंजन एज इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस बाय 80%, ब्रांड अवेयरनेस 80% इंक्रीज होती है जी सर्च एड्स के जरिए। बिजनेस मेक एन एवरेज ऑफ $2 इन रेवेन्यू फॉर एवरी $1 दे स्पेंड ऑन गूगल एड्स। लोग $2, $1 खर्च करते हैं गूगल एड्स पर तो डबल रिवार्ड उन्हें मिलता है जी, $2 अर्न करते हैं वो $1 स्पेंड करने के बाद। अच्छा जी, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के जी, एसईओ आप देखेंगे, अभी हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो एसईओ जी यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज में हाईएस्ट पेइंग जॉब है जी। सैलरीज एसईओ स्पेशलाइज्ड पीपल की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट्स हैं वो यूएसए में सबसे ज्यादा सैलरी लेते हैं जी। ये है क्या जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द रैंकिंग ऑफ अ वेबसाइट और अ वेब पेज इन नॉन पेड ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स। अभी हमने जो एक गूगल पे सर्च किया था बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर हेल्थ, तो इसमें देखें राइट साइड पे हमें ये एड नजर आ रही थी, ये थी सर्च इंजन मार्केटिंग के, गूगल को पैसे दिए गए थे कि हम ये एड रन करना चाहते हैं, तो जिसने भी ये हेल्थ के मुतालिक सप्लीमेंट्स की सर्च की उसे ये एड्स नजर आ गई। साथ में ये कुछ रिजल्ट्स हैं जी, ये प्रोडक्ट्स, ये वेबसाइट जिनके फर्स्ट पेज पे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, इन्होंने गूगल को पेमेंट नहीं की, इन्होंने अपनी टेक्निक्स यूज की, एसईओ के लिए टेक्निक्स यूज की कि उनका पेज, उनकी वेबसाइट उन्होंने इस लेवल तक परफेक्ट की कि गूगल ने उन्हें नवाजा। उनकी मेहनत का फल ये निकला कि गूगल ने उन्हें फर्स्ट पेज पे शो कर दिया। जैसा कि हमने देखा था कि 98% गूगल के जो सर्च करने वाले हैं वो सेकंड पेज पे जाने की जहमत नहीं करते, वो फर्स्ट पेज पे ही क्लिक करते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, जो रिजल्ट फर्स्ट पेज पे आएंगे लोग उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। सुरमी शाहिद मलिक साहब, आपका माइक ओपन है, अगर आप ये माइक अपना बंद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के स्टैट्स आप देखते हैं, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है जी। बिजनेस इज स्पेंट अबाउट 47.5 बिलियन ऑन एसईओ एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन 2020। ये स्टैट्स 2 साल पुराने हैं जी, कि 2020 में 47.5 बिलियन बिजनेसिस ने 47.5 बिलियन डॉलर खर्च किए जी एसईओ के लिए। एसईओ का मकसद यही है ना कि हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए, तो इस काम के लिए अब ये एक बहुत ही वसी और अरीज अपॉर्चुनिटी है जी फ्रीलांसर्स के लिए। फ्री अभी हम दिखाएंगे हमने एसईओ सर्विसेज से फाइवर पे कितनी अर्निंग की, वो भी आपको दिखाएंगे, और आपको इसमें एसईओ सर्विसेज सिखाई जाएंगी इस कोर्स में कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं, कि अपनी वेबसाइट पे आपको क्या-क्या टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप अपनी वेबसाइट गूगल पे रैंक कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखाई जाएगी कि आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की ब्लॉग या किसी दूसरे बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स स्टोर, जो भी आपका पर्पज हो ऑनलाइन अर्निंग के मुताबिक।
उसके लिए आप अपनी वेबसाइट खुद बनाने के काबिल होंगे इस कोर्स को अटेंड करने के बाद। उसमें फिर आप देखेंगे कि ये एसईओ सर्विसेज, जो एसईओ टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, वो यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट भी गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं, और यही सर्विसेज दूसरों को सेल करके भी आप अकेले या अपनी एजेंसी बना के आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द एसईओ इंडस्ट्री विल रीच अप टू 77.6 बिलियन बाई 2023। ये जो एसईओ की इंडस्ट्री है, यानी जो एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, ये 77.6 बिलियन डॉलर में पहुंच जाएगी जी नेक्स्ट मंथ। अच्छा, जब ये एक इंडस्ट्री की वैल्यू बताई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि रफ आइडिया ये है कि कंपनीज जो कि अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करती हैं, वो अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए 77.6 बिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार होंगी नेक्स्ट ईयर। अच्छा जी, 41,305 डॉलर द एस्टिमेटेड टोटल बिजनेस स्पेंडिंग ऑन पेड सर्च मार्केटिंग इन 2019। ये एक्चुअली सर्च इंजन मार्केटिंग के तरीका, गूगल एड्स कह रहे हैं आप, कि एक बढ़िया बिजनेस ऑन एवरेज 41,305 डॉलर एक बिजनेस स्पेंड करता है जी 2019 में, करता था सर्च इंजन मार्केटिंग में। वट इज मोर, 17% ऑफ एंटरप्राइजेज डू नॉट हैव एनी फुल टाइम एसईओ स्टाफ। नहीं जी, ये जो 77 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है एसईओ की, इसमें से 17% कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना फुल टाइम एसईओ का स्टाफ नहीं रखा होता। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं कि फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइडर्स की, जो कि अपने घर में बैठे होते हैं, ना किसी ऑफिस की टेंशन, अपने घर वाले माहौल में बैठे होते हैं, घर वालों के साथ खाने खाते हैं जी, सारा शुगर मेला अपने घर में एंजॉय करते हैं, और साथ कंपनीज को एसईओ की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज लेना भी और सर्विसेज देना भी। अच्छा, टिपिकल एसईओ प्रोजेक्ट्स कॉस्ट अबाउट 750 to 2,000 डॉलर अ मंथ। एसईओ प्रोजेक्ट, कोई भी काम एसईओ के मुतालिक दिया जाए तो उसे हम एसईओ प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो वो कहता है जी कि जो मंथली एसईओ प्रोजेक्ट है ना, उनके चार्जेस 750 से 2,000 डॉलर तक पर मंथ होते हैं जी एसईओ प्रोजेक्ट के। यानी अगर आप एसईओ प्रोजेक्ट एसईओ सीख लें और फिर इसमें अपने आप को एक्सेल करके आप एसईओ एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचते हैं, तो आप माहाना सिर्फ एक कंपनी को, इसलिए कि जब आप फ्रीलांस काम कर रहे हो, आप एक के बजाय 10 कंपनीज को भी सर्विसेज दे सकते हैं। अपने साथ इम्प्लाईज रखे हों आपने, तो आप 15-20 इम्प्लाईज को भी, 15-20 कंपनीज को भी सर्व कर सकते हैं। तो टिपिकल एसईओ प्रोजेक्ट्स के जरिए आप 750 डॉलर से 2,000 डॉलर तक पर मंथ अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, वन टाइम प्रोजेक्ट्स विल रेंज एनीवेयर बिटवीन 5,000 डॉलर to 30,000 डॉलर। ये जी एक्सपर्ट लेवल की गेम आ गई, कि जो एक्सपर्ट लेवल पे लोग एसईओ प्रोजेक्ट लेते हैं ना, वो उनकी सिंगल टाइम फी, सिंगल फी, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन कह लें, एक काम दिया एसईओ का, उसकी आपको 5,000 से 30,000 डॉलर तक कंपनसेशन मिल सकती है। ये उनका रफ एस्टिमेट है जी। एडिशनली एसईओ कंसल्टेंट्स आर पेड अराउंड $80 to 200 पर आर। अब देखिए, अगर हम अपने पाकिस्तान का जो करंट करेंसी है, एक्सचेंज रेट चल रहा है, 80 डॉलर तकरीबन 16,000 बनते हैं जी, 16,000 से 17,000 के दरमियान, आज के 235 के रेट के मुताबिक 16,500 या 17,000 के दरमियान ये बनता है जी। इससे लेकर 80 डॉलर, 200 डॉलर 40,000, यानी इमेजिन अगर हम 100 डॉलर भी लगाएं तो 22,000 23,000 एक घंटे के चार्जेस। क्या आपको पाकिस्तान में कोई ऐसा काम मिलेगा जिसमें 23,000 रुपये एक घंटे के चार्ज किए जा सकते हों? ऐसा नहीं है। तो ये है जी ऑनलाइन फील्ड की अर्निंग, ऑनलाइन फील्ड की वास्ट वाइडनेस, कि आप इसमें कहीं भी अपने आप को थोड़ी सी मेहनत के बाद फिट कर सकते हैं। फुल लोकल
एसईओ सर्विसेज कॉस्ट अबाउट $500 to $4,000 पर मंथ। लोकल एसईओ से मुराद कि मैं पाकिस्तान की वेबसाइट को मैं सर्विसेज दूँ, कि मैं पाकिस्तान के अंदर ही आपकी एसईओ ऑप्टिमाइज करूँगा, कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आपकी वेबसाइट सर्च करेगा उसे सर्च इंजन में पाकिस्तान के अंदर आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर मिलेगी। तो इसे कहते हैं लोकल एसईओ सर्विसेज। वो कहते हैं जी लोकल एसईओ सर्विसेज $500 से $4,000 पर मंथ कॉस्ट होती है जी। एसईओ एक्सपर्ट्स लोग जो कि लोकल एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं, वो 1 महीने के $500 से लेकर $4,000 कहीं भी आपकी अपने एक्सपर्टीज के लेवल पे और आपकी बार्गेनिंग लेवल पे और उस कंपनी पे डिपेंड करते हुए कहीं भी आप लैंड कर सकते हैं जी। और बाय द वे $500 हमारे 1 लाख रुपए से ऊपर बनते हैं जी, ये भी ध्यान में रखें। अब चलते हैं जी एफिलिएट मार्केटिंग। ये है जी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजे की फील्ड एफिलिएट मार्केटिंग है जी। एफिलिएट मार्केटिंग वो है कि जिसमें दूसरे सारे स्किल्स आपके इस एक फील्ड में अप्लाई हो सकते हैं। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग इज वेयर एन एफिलिएट प्रमोट्स एन अदर पर्सन प्रोडक्ट और कंपनी थ्रू देयर ओन मार्केटिंग चैनल्स। इसका सिंपली मिसाल ये है कि आपकी प्रोडक्ट है और ये कोई और तीसरा बंदा सेल कर रहा हो और आप उसे कमीशन दे दें। ये कमीशन बेस्ड काम है जी। प्रोडक्ट किसी की, आपने सिर्फ उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है कि किसी दूसरे बंदे की प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है, और फिर जब वो सेल होगी तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन वो दिया जाएगा। और आपको भी ये स्लाइड स्कैन में जब भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन खत्म होगा तो फिर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की रियल लाइफ अर्निंग्स के मुतालिक कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए जाएंगे, कि जिससे आपको इस एफिलिएट मार्केटिंग की पावर का थोड़ा सा अंदाजा होगा, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा अंदाजा जरूर होगा। अच्छा, जब एफिलिएट मार्केटिंग के स्टैट्स क्या हैं जी? 64.48% ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स जनरेट द मोस्ट ट्रैफिक फ्रॉम क्वालिटी ब्लॉग कंटेंट। ये जो एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले लोग, एफिलिएट मार्केटर्स, वो ट्रैफिक जनरेट करते हैं जी ब्लॉग पोस्ट से। ब्लॉग कंटेंट, आपका जो इंग्लिश में ब्लॉग लिखा जाएगा या किसी भी लैंग्वेज में स्टोरी की शक्ल में या किसी भी तौर किसी प्रोडक्ट के फीचर के बारे में या इंफॉर्मेशन कंटेंट, वो जी कहते हैं जी 64% ट्रैफिक ब्लॉग कंटेंट से आती है। और इस कोर्स में आपको ब्लॉग कंटेंट भी सिखाया जाएगा। वो कहते हैं जी बिफोर कोविड-19 55.5% ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स वर्क फ्रॉम होम। और अभी ये सिर्फ कोविड-19 से पहले का बता रहे हैं कि 55.5% यानी आधे से थोड़े से ज़्यादा एफिलिएट मार्केटर्स वो अपने घर आराम से बैठ के ही काम करते हैं। अच्छा, टॉप 10 एफिलिएट कैटेगरीज बाय मार्केट शेयर। फैशन 18% लोग जी फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स को 14.6% पीपल एफिलिएट मार्केटर्स स्पोर्ट्स और आउटडोर्स के मुतालिक चीज़ें सेल करते हैं। हेल्थ वेलनेस एंड ब्यूटी, हेल्थ के मुतालिक सप्लीमेंट जो कि अभी हमने लिख के सर्च भी किया था, और वेलनेस और ब्यूटी के मुतालिक जी 11.1% एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो इससे रिलेटेड हेल्थ वेलनेस और ब्यूटी के मुतालिक प्रोडक्ट सेल करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स। एफिलिएट मार्केटिंग स्पेंडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स रीच $6.8 बिलियन इन 2020। कंपनीज ने जी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए स्पेंड करना शुरू कर दिया। मसलन जब एक कंपनी अपने अखराजात का बजट बनाती है तो वो बाकायदा प्लान करती है कि हमने इस साल इतनी अमाउंट एफिलिएट मार्केटर्स को पे करनी है कि वो हमारी प्रोडक्ट सेल करें। तो ये पेमेंट पहले एडवांस में नहीं दी जाती, ये पेमेंट प्रोडक्ट की सेल होने के बाद दी जाती है। तो कह रहे हैं जी कि 2020 में $6.8 बिलियन पे किया गया था एफिलिएट मार्केटर्स को,
यानी आप कह रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटर्स ने 2020 में 6.8 बिलियन अर्न किया था। एफिलिएट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स, 16% ऑफ ई कॉमर्स सेल्स इन द यूएस एंड कैनेडा आर जनरेटेड वाया एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है जी, कुछ तो लोग डायरेक्ट ब्रांड्स पे जाके चीज बाय करते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करते हैं, या डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर जैसे ईबे है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, इस किस्म के स्टोर्स पे, या दराज है हमारे पाकिस्तान में, इस किस्म के स्टोर्स पे डायरेक्ट जाते हैं और वो कहते हैं जी ओवरऑल 16% सेल्स एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से जनरेट हुई थी जी। 81% ऑफ ब्रांड्स यूज एफिलिएट प्रोग्राम्स। एफिलिएट प्रोग्राम कहते हैं जी, एफिलिएट प्रोग्राम के वो डिज़ाइन करते हैं जी, हम इतने परसेंट कमीशन देंगे, ये हमारी कंडीशन हैं, कौन हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है, कौन ज्वाइन नहीं करेगा। ये जी 81% ब्रांड्स हैं जो कि एफिलिएट प्रोग्राम्स यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स की प्रोमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स, 38% ऑफ मार्केटर्स एग्री दैट एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनमें से 38% का ये मानना है कि एफिलिएट मार्केटिंग जी बेहतरीन चीज़ है न्यू कस्टमर्स को प्रोडक्ट के लिए लाने के लिए। 15% ऑफ डिजिटल मीडिया रेवेन्यू, डिजिटल मीडिया रेवेन्यू से मुराद के डिजिटल मीडिया के जरिए जितनी भी इनकम हो रही है या ऑनलाइन अर्निंग जितनी भी हो रही है उसका 15% एफिलिएट मार्केटिंग से कमाया जा रहा है जी। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का शौक हो तो इस कोर्स में आपको बहुत डिटेल से एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी और आपने फैसला करना है कि इस 15% में आप खुद को भी शामिल करना चाहते हैं या आप कोई और जरिया चूज करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के लिए। The impact of affiliate marketing on the US market is estimated to reach $70 billion in sales. 2020 की ये प्रिडिक्शन है, उन्होंने डेटा के बेस पे ये प्रिडिक्ट किया कि नेक्स्ट ईयर में US मार्केट की जो सेल्स हैं $70 billion सेल्स सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से सेल होंगी। तो अब आप देखें कि आपका कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा, क्या आप भी इतने बड़े स्कोप में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं कि ऑनलाइन आप एफिलिएट मार्केटिंग जरिए कमाएं। अभी हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाएंगे, एक आज सेल हुई थी और एक 2 दिन पहले, और भी आपको दिखाएंगे अमेजोन के भी एफिलिएट मार्केटिंग की सेल्स और कमीशन। एफिलिएट मार्केटिंग, एन एफिलिएट मार्केटर कैन अर्न एज मच एज $1,000 फ्रॉम अ सिंगल सेल और ट्रांजेक्शन। कहते हैं जी कि एक एफिलिएट मार्केटर एक ट्रांजैक्शन या एक सेल से $1,000 तक भी कमा सकता है। और वाकई कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो कि सिंगल ट्रांजैक्शन का आपको $1,000 कमीशन, देखें सिर्फ कमीशन आपको $1,000 देने का वो तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सर्विसेज की कॉस्ट हाई है और वो बिकेंगी तो वाकई उन्हें फायदा होगा, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वो आपको भी देते हैं एज एन एफिलिएट मार्केटर। एज ऑफ 2021, 81% ऑफ मार्केटर्स आर यूटिलाइजिंग एफिलिएट मार्केटिंग टू जनरेट मोर रेवेन्यू। वो कहते हैं जी मार्केटिंग करने वाले लोग हैं उनमें से 81% एफिलिएट मार्केटिंग यूज करते हैं जी अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। 91% ऑफ मर्चेंट्स केयरफुली एंड इफेक्टिवली प्लान देयर बजट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। मर्चेंट से मुराद दुकानदार कह लें, बिजनेसेस कह लें, जो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, उनमें से 91% बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो बाकायदा प्लान करती हैं कि हमने इतनी अमाउंट, इतना खर्चा देना है एफिलिएट प्रमोशंस के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा हम उन्हें इतना पे करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स में जी एन एफिलिएट मार्केटर अमेजॉन कट इट्स एफिलिएट प्रोग्राम कमीशन रेट्स अक्रॉस कैटेगरीज टू एज लो एज 1%। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है अमेजॉन, जिसपे सेल सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन कमीशन के मामले में सबसे कंजूस वाकया हुआ जी अमेजॉन।
उन्होंने 2020 में अपने कमीशन 1% तक रिड्यूस कर दिए थे। वैसे बाय द वे उनके हाईएस्ट जो कमीशन रेट्स हैं वो भी 5 to 6% हैं, 5 to 6% से ज़्यादा उनके कमीशन रेट्स नहीं होते। द नंबर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग पब्लिशर्स दैट अप्लाइड ऑन अमेजॉन इंक्रीज बाय 150% इन जुलाई ऑफ 2020। ये कोविड-19 का एरा है जी, जब दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में लॉकडाउन चल रहे थे, तो अमेजॉन पे लोगों ने जाके एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप किया था कि लोग जब घर में फारिग बैठे हैं तो चलो ऑनलाइन कमाई के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अमेजॉन के साथ। और जब अमेजॉन ने देखा कि हमारे एडवर्टाइजर्स बढ़ रहे हैं, एफिलिएट्स बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने फौरी अपने रेट्स रिड्यूस कर दिए। जो 4% कमीशन था उसे रिड्यूस करके 1% कमीशन पे सेट कर दिया उन्होंने। अब भी हम रियल ऑनलाइन अर्निंग के प्रूफ दिखाते हैं कि कुछ की जो सब बातें की जा रही थी वो सिर्फ सारी बातें हवा में नहीं, लोग वाकई कमा रहे हैं। मैं ये ग्रुप पे मैसेज सेंड कर रहा था कि वी आर शोइंग रियल अर्निंग प्रूफ इन आवर लाइव क्लास। देखें जी, पहले बात करते हैं अमेजॉन अमेजॉन सेल्स और अमेजॉन के कमीशन की। तो ये रिपोर्ट है जी मार्च के माह की, 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 की। ये जो वेबसाइट है ये कहने आप बिल्कुल स्टार्टर वेबसाइट है, इस पे अभी ट्रैफिक थोड़ी आना शुरू हुई है। और अभी मार्च के माह में 1200 लोगों ने क्लिक किया था जी अमेजॉन के प्रोडक्ट लिंक्स पे। इस वेबसाइट पे क्लिक्स में आप देख रहे होंगे 1201 लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड आइटम्स 82 आइटम सेल हुई, उनमें से 78 शिप की गई, 12 आइटम्स रिटर्न हो गई, 6.83% के हिसाब से कन्वर्जन थी जी। 4,481 डॉलर की आइटम्स शिप की गई जिनका कमीशन 185 डॉलर था। ठीक है जी, अभी ये देखें ऑर्डर आइटम्स 82 हैं। आगे चल के मैं जब नॉन अमेजॉन सेल्स की बात करूंगा तो फिर मैं दोबारा इस तरफ आऊंगा कि अमेजॉन की सेल्स देखिए और फिर नॉन अमेजॉन प्रोडक्ट्स की सेल पे कमीशन देखेंगे हम। ये अप्रैल 2022 की रिपोर्ट है जी, इसमें भी 82 प्रोडक्ट्स सेल हुई जिनमें से रिटर्न इस दफा कम हुई, सिर्फ 4 आइटम रिटर्न हुई। अच्छा, अमेजॉन का जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो ये है कि अमेजॉन के लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए देखिए कन्वर्जन रेट 8.97% है। यानी 100 में से 9 लोग कह लें कि इन क्लिक्स पे कन्वर्ट हुए, 100 में से 9 लोगों ने चीज बाय कर ली। शिप रेवेन्यू 4,308 डॉलर की मालियत का सामान उन्होंने बेचा इनके लिंक से, और 198.93 डॉलर ये थी जी अर्निंग अप्रैल के मंथ की। अब आ गया जी मई का महीना, तो इसमें सेल तो सिर्फ 7 ही कम थी लेकिन जो कमीशन था वो खासा कम हुआ, कमीशन रेट लो होंगे इन प्रोडक्ट्स के। अब देखें यहाँ 82 ऑर्डर की वैल्यू सेल हुई थी 4,308 डॉलर की, ये शायद लो प्राइस आइटम थी, उसमें देखिए कन्वर्जन रेट 10% से भी ज़्यादा है थोड़ा सा। ओवरऑल मई 2022 में 111 डॉलर की कमीशन जनरेट हुई। आप देखते हैं जी नॉन अमेजॉन प्रोडक्ट्स की एफिलिएट अर्निंग्स, ये देखें जी एक आज की सेल है। आज शाम 5:30 बजे जब मैंने अपना नेटवर्क लॉगिन किया तो ये देख सकते हैं आप इस ये लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में 17 तारीख की सेल है जी, डेट लिखी हुई है और 1:33 लंदन का टाइम है, और जहाँ पाकिस्तान में उस वक्त कह रहे हैं 4:15 साढ़े 4 घंटे का फर्क है, तो यहाँ 5:30 पौने 6 का वक्त था जब ये एक प्रोडक्ट सेल हुई है। और ये डायरेक्ट सेल नहीं हुई। अच्छा, अमेजॉन पे एक बंदा एक दफा चीज खरीद लेगा तो
नेक्स्ट टाइम वो 1000 दफा चीज खरीद ले, आपको कमीशन नहीं आएगा। लेकिन कुछ शहंशाह तबीयत के कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि रिपीट कमीशन देती हैं। मसलन फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट बाय की तो उसका कमीशन तो हर कोई देता है ना, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर इसके बाद भी आखिरी सांस तक या उसके बच्चे भी अगर इस लिंक के जरिए प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसका भी कमीशन आपको ही मिलेगा। ये है कि रिपीट सेल्स। मसलन हेल्थ सप्लीमेंट्स में तो यही है ना, और ये बाय द वे ये हेल्थ सप्लीमेंट्स के मुतालिक है जी। ये हेल्थ सप्लीमेंट्स की सेल है, किसी ने पिछले महीनों में कहीं एक दवाई ली थी, कोई वो हेल्थ सप्लीमेंट ली थी, तो अब वो दोबारा उसने वो प्रोडक्ट बाय की, हेल्थ सप्लीमेंट खरीदी, तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन का सिर्फ कमीशन, सिंगल ट्रांजैक्शन का ये कन्वर्जन लिखा आ रहा है जी। आज के दिन में सिर्फ 4 क्लिक्स आए थे, उनमें से 1 कन्वर्जन हुई। कन्वर्जन का मतलब है सेल, 1 कन्वर्जन हुई और उसका कमीशन आया 56.51 डॉलर। और ये अभी डायरेक्ट सेल थी, ये वो था जिसका ओरिजिनल फर्स्ट कमीशन मिल चुका था। अब ये कस्टमर दोबारा बाय करना आया था तो उन्होंने ये कमीशन भी मुझे ही दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी बायर ने मेरे लिंक से ही ये सप्लीमेंट बाय की थी, तो सेकंड टाइम भी उन्होंने मुझे ही भेजा ये कमीशन। तो ये देखें आप, रिपीट कस्टमर ट्रैफिक में लिखा रहा है जी। तो ये 56 डॉलर आज के हिसाब से यूँ कह लें कि 101 डॉलर 235 का है, तो ये तकरीबन 12,000 के करीब, 12 से 13 हज़ार के करीब ये सिंगल ट्रांजेक्शन है जी। ये आज की सेल थी, और फिर ये 2 दिन पहले सेल हुई है जी, 15 सितंबर को। ये भी सिंगल है जी, एक क्लिक हुआ था। हाँ, ये दूसरा प्लेटफॉर्म था, उस पर भी एक क्लिक हुआ और वही बंदा आके चीज खरीद कर चला गया। तो ये देखें जी, 67.11 डॉलर सिंगल ट्रांजैक्शन पे, सिंगल प्रोडक्ट की सेल पे कमीशन आया। ये है जी ब्यूटी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। और ये टाइम देखें, 7 बजे क्लिक डेट देखें आप, जो क्लिक डेट है इस पे 7 बजे वो आया मेरे पेज पे, उसने क्लिक किया प्रोडक्ट का और 10 मिनट के बाद ही या शी वॉज फुली कॉन्फिडेंट टू बाय दैट प्रोडक्ट। और उसने जी 10 मिनट के बाद प्रोडक्ट बाय किया, और उन्होंने अल्लाह भला करे उनका जी अंग्रेजों का, उन्होंने मुझे कमीशन 67 डॉलर भेज दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, ये देखें जी, ये माशाल्लाह जुलाई के महीने की बात है जी। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक सेल का कमीशन 175 डॉलर, वन सेल, सिंगल सेल कमीशन 175 डॉलर। और 2 सेल्स हुई जुलाई के माह, उन दोनों का टोटल, सिर्फ 2 सेल्स का टोटल 305 डॉलर। और जुलाई के महीने में डॉलर तकरीबन 225 235 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा था, तो ये तकरीबन 70,000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था। तो मैंने काफ़ी दुआ की थी, अल्लाह कुर्बानी करनी है तो सेल्स हों, तो अचानक ही अल्लाह की मदद इस तरह आई कि अच्छा, ये साइड टाइम बिजनेस है, ये जहन में रखिएगा। एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सर्विसेज और भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग फाइवर वगैरह पे, अमेजोन, उस पर भी काम चलता रहता है, तो और काम भी साथ चलते रहते हैं, क्लासेस वगैरह, कंसल्टेंसी और लोगों के साथ काम चलते रहते हैं। ये पार्ट टाइम बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल सेल से, हमने पीछे देखा था ना यहाँ अमेजोन पे, देखें 75 ऑर्डर्स थे ये मई 2022 में, 75 ऑर्डर्स का कमीशन बना 111 डॉलर, और यहाँ सिंगल प्रोडक्ट का कमीशन बना 175 डॉलर। ये जो सप्लीमेंट्स होती हैं इनमें कमीशन रेट मिनिमम 30% से 60% भी जाता है, अभी मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा, आजकल 60% भी चल रहा है एक दो प्रोडक्ट पे कमीशन रेट। अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 100 डॉलर है तो उसमें से 40% आपको मिलेगा, 40% कमीशन। अब देखें जी, ये प्रोडक्ट है जी, हाँ रिपीट सेल्स हो गई जुलाई के महीने की। ये देखें जी, अब एफिलिएट जो नॉन अमेजोन प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन में भी आपने देखा होगा, उसमें भी लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, बाउंटी ऑफर्स आती हैं,
उसमें एफिलिएट को प्रमोट करने के लिए, एफिलिएट जो कहने के एफिलिएट प्रमोशन आती हैं, तो इस तरह जो अमेजोन के अलावा भी नॉन अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इस तरह ऑफर्स देती हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, सिर्फ इसके अंदर एक आर्टिकल लिखें, आपको हम इतने डॉलर देंगे बोनस। तो ये मेरा 1353 डॉलर सिर्फ बोनस ही कमीशन है जी, जो कि अभी तक प्रोडक्ट सेल नहीं हुई, और ये रिपीट कस्टमर 5 कन्वर्जन हुई जी, जो कि मेरे लिंक से फर्स्ट टाइम किसी ने बाय किया, उसके बाद 5 मरतबा उसने दोबारा वो प्रोडक्ट बाय किया, तो वो सब कमीशन भी उन्होंने मुझे ही भेजे, 218 डॉलर, 5 प्रोडक्ट की कमीशन 218 डॉलर, और फिर ये सिंगल ट्रांजेक्शन का। ये सारा दिखाने का मकसद ये है कि एक सेल के कमीशन मैक्सिमम कितना कितना आपको मिलता है, ये मैं बातें नहीं सिर्फ रियल दिखा रहा हूँ कि हम लोग कितना कमा चुके हैं बिफजल ही ताला। एक सेल का जी 127 डॉलर कमीशन, और ये रेवेन्यू से मुराद जो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है उसका रेवेन्यू नहीं है, ये एफिलिएट मार्केटर का रेवेन्यू है। अगर मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ जो कि मैं हूँ, तो ये एफिलिएट मार्केटर का कमीशन है, एफिलिएट मार्केटर का कमीशन है जो कि उसके अकाउंट में आया, और फिर ये मेरे पाकिस्तानी बैंक में क्रेडिट होता है जी वीकली। अमेजॉन तो माहाना पे करता है ना, ये वीकली पे करते हैं जी। ये 218 डॉलर 5 का था, फिर सिंगल सेल का कमीशन 127 डॉलर, फिर 3 सेल का कमीशन 106, फिर 1 सेल का कमीशन 94 डॉलर, फिर देखें सिंगल प्रोडक्ट्स की कमीशन 94 डॉलर, 92, 90, 83 डॉलर, 83 सेकंड पे, फिर 83, 74, 74, 72, 67, 64, 61 डॉलर, ये सिंगल प्रोडक्ट की सेल पे कमीशन है जी। अच्छा जी, अमेजोन का मैं आपको मंथ वाइज दिखाया था, तो उसमें मैंने मई 2022 का आपको अमेजोन का भी दिखाया था, वहाँ देखते हैं जी मई 2022 की रिपोर्ट। ये देखें मई 2022 में अमेजोन की सेल्स हुई 75 और कमीशन आया 111 डॉलर, और दूसरे नेटवर्क्स पे सिर्फ 5 सेल्स हुई हैं जी हमारी, मई 2022 में 5 सेल्स थी जिनमें रिपीट ट्रैकिंग 45 डॉलर आया, बोनस ऑफर चल रही थी 347 का बोनस आया जी, और बाकी 5 प्रोडक्ट्स की कन्वर्जन हुई। इसमें भी बाज़ औक़ात 25% रेट भी होता है, तो देखें 7 डॉलर भी आया सिंगल प्रोडक्ट की सेल पे, 8 डॉलर भी आया, 14 डॉलर भी आया, 16.55 डॉलर भी आया, 47 डॉलर रिपीट कस्टमर का था। तो ये थी जी अर्निंग प्रूफ। फ्रीलांस अर्निंग एसईओ सर्विसेज की बात कर रहे थे, तो ये रिपोर्ट है जी जून के मंथ की, जून 2022 में 672 डॉलर अर्निंग आई थी जी एसईओ सर्विसेज से, फाइवर से। ये भी आपको ऑनलाइन अर्निंग सिखाई जाएगी इस कोर्स में, एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी इंशाल्लाह डिटेल से, इसमें कौन कौन से आपको स्किल्स रिक्वायर होंगी, कंटेंट राइटिंग, एसईओ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, किस तरह आपने अपनी नीच सेलेक्ट करनी है, भाई किस फील्ड में जाएं, किस चीज़ की प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट्स की एफिलिएशन करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, ये आपको सिखाया जाएगा, किस तरह ये सारी टेक्निक्स क्या होती हैं ये भी आपको सिखाई जाएंगी। उसके अलावा जी ये है जी अगस्त 2022, इस मंथ से माशाल्लाह जी 872 डॉलर की अर्निंग हुई थी जी एसईओ सर्विसेज से। अब हमारा सेशन एंड हो गया जी, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सारे डिस्क्रिप्शन के बाद आपको ऑनलाइन अर्निंग भी दिखाई गई कि रियल लाइफ प्रूफ के वाकई अर्निंग होती कैसे है, प्लेटफॉर्म के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए गए कि ये प्लेटफॉर्म अमेजॉन सबसे मशहूर है ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो भी दिखाया गया, और उसके अलावा नॉन अमेजॉन जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये। ठीक है जी, अब हम अपना सेशन एंड कर रहे हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को देखना चाहे तो वो भी इंशाल्लाह आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, और
कोर्स क्यों कर लिया हमारा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत जल्द मिल जाएंगी, और बहुत जल्द हमारा लाइव क्लासेस का भी आगाज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको ये सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के स्टैटिस्टिक्स जो दिखाए गए, उनका मकसद सिर्फ यही था कि इस वक्त दुनिया में फोकस लोगों का यही है कि डिजिटल मार्केटिंग, अब वो पुराने ज़माने गए कि अब वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दौर ख़त्म हुआ, अब इस डिजिटल एरा में जबकि 60% से ज़्यादा आबादी को इंटरनेट भी अवेलेबल है, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स भी अवेलेबल हैं, तो अब आपने अपनी किस्मत आजमाई कैसे करनी है, आपने इस फील्ड में कैसे एक्सेल करना है, इस महंगाई और इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के दौर में आपने अपनी इनकम स्ट्रीम्स कैसे इंक्रीज करनी है, इसके मतलब आपको डिफरेंट कोर्सेज के जरिए डिजिटल मार्केटिंग के मुख्तलिफ टाइप्स सिखाई जाएंगी, जिनमें से आप किसी भी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें ग्रो कर सकते हैं और अपनी किस्मत के पैसे कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अल्लाह हाफिज़।